नमस्कार मित्रों, ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल में आपका स्वागत है। ग्रोइंग हैप्पीनेस इन एवरी पॉट। ये देखिए आपने हमारी हैप्पीनेस, ये हमारा फूल खिल गया लाल रंग का, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और भी खिलेंगे। और ये हमारी रेडिश, यहाँ हमने धनिया लगाया हुआ है, तो माली आज आया था, उसने पानी दिया। मधु मालती में पत्ते आ गए हैं, नीम में भी पत्ते आ गए हैं, और बाकी रोजेज़ में देखिए कितने सारे रोजेज़ खिल रहे हैं। हम अपना वाटर देते थे, और यहाँ बस सैपलिंग्स लगाए हैं भिंडी के। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और जो पुराने पत्ते हैं उसको हर समय की तरह मैं अपना हटाती रहती हूँ और टैपिंग करती रहती हूँ टमाटर, ताकि और लग जाए। आप सब जानते हैं टमाटर सेल्फ पॉलिनेटिंग है, तो ये अंदर ही दोनों सीड्स होते हैं इसमें, मेल भी फीमेल भी। और बैंगन देखिए कितने सारे आ गए हैं, ये हमारा पुराना प्लांट है, इसमें काफ़ी सारे बैंगन मुझे दिख रहे हैं, और 5 मैंने हार्वेस्ट करे हैं आज। तो ये देखिए लौकी के सीडलिंग्स यहाँ पे भैया ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और ये हमारा दूसरा ग्रीन ग्लोब बैग है, जिसमें लौकी के हैं, यहाँ पम्पकिन के सीड्स हैं। अभी थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही, बाकी नीचे से पत्ते जो होते हैं वो मैं हटा रही हूँ शिमला मिर्च में, जो बिल्कुल नीचे नीचे स्टेम के साथ हैं, तो उसको मैं हटाती रहती हूँ। और ये आज 2 टमाटर मैंने हार्वेस्ट करे हैं, छोटे हैं साइज़ में, बट मैंने कर लिए क्योंकि फिर फटना शुरू हो जाते हैं। और बैंगन भी मैंने 5 के करीब हार्वेस्ट करे हैं, तो अब सर्दी गर्मी की हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। जैसे जैसे सब्जियां बढ़ेंगी, कल हमने इसमें खली का, सरसों की खली का पानी दिया था। और ये देखिए हमारी शिमला मिर्च में, शिमला मिर्च बनती हुई, काफ़ी जगह मुझे इसके फ्लावर्स दिख रहे हैं, और फ्लावर्स में तो छोटी छोटी शिमला मिर्च बनती दिख रही हैं। और जो प्लांट्स नहीं बढ़ पाएंगे उनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ऐसे न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे भी फ्लावरिंग हो रही है, और सेम की फली में भी फ्लावर्स आ रहे हैं, काफ़ी फास्ट मूव हो रही है सेम की फली। और ये देखिए 56 कद्दू में एक फीमेल है ये फ्लावर, ये स्क्वैश बनेगा, और इसका दूसरा फूल आएगा तो मैं इसकी पॉलिनेशन हैंड से कर दूँगी। लौकी में, पम्पकिन में, कद्दू में, 56 कद्दू में, इनमें आपको हैंड पॉलिनेशन तोरी में, करेले में करनी पड़ती है। और पुरानी स्टेम्स जो उसकी हैं टमाटर की, वो मैंने ले ली, और वो मैं सुखाने डालती हूँ। पहले मैं सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इस बाल्टी में ट्रांसफर किया। देखिए रोज कितना सुंदर खिला है, मधुमक्खियाँ भी दिख रही हैं। ये टमाटर बड़े हो रहे हैं, टमाटर का पौधा भी बहुत जल्दी बड़ा होता है, फास्ट होता है, पहले पहले टाइम लगता है, फिर उसके बाद फास्ट होता है। और जो सीडलिंग्स कप्स में से नहीं निकले हैं, मैं उनको वापस मिट्टी में डाल दूंगी। हमारे ये टमाटर हैं, यहाँ से भी पुराने पत्ते वगैरह मैं हटा रही हूँ, और मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ कि इनके ऊपर जो फ्लाइज का अटैक था वो भी है कि नहीं। तो मैं इसको एक आधे दिन में छाछ वाला पानी भी डाल दूंगी इसके ऊपर। छाछ के पानी में अगर आप काला नमक डाल के डालें तो उसका बहुत अच्छा फंजीसाइड है। ये देखिए मेरी नर्सरी, करेला, बैंगन, तोरी, पम्पकिन, बॉटल गोर्ड, और हमारी तुलसी, अभी छोटे छोटे पत्ते हैं, अब हमारी 3 तुलसियाँ हो गई हैं इस पॉट में, एक और पॉट में और एक और पॉट में, 3 पॉट्स में हमारी तुलसी है। तुलसी सर्दी में नहीं पल पाती, गर्मी में तो चलती है। और ये देखिए हमारे पक्षी एंजॉय करते हुए बाथ, सन बाथ भी हो रहा है और वाटर बाथ भी हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक मैना ने बड़े आराम से इसमें बैठी और अपने आप पर पंख फड़फड़ा के एकदम उसने अपने आप को धो लिया। और काफ़ी सारे रोज़ देखिए खिलने लगे हैं, कलियाँ बड़ी हो रही हैं, रोजेस खिल रहे हैं। और ये मैं, और आज हमारी देखिए हार्वेस्ट हुई 2 टमाटर और 5 बैंगन। आज ही देखिए मैंने अपने टमाटर के प्लांट में, जो पहले मैंने नीम ऑयल स्प्रे किया था, तो आज मैंने छाछ रेडी करी है। बटर मिल्क एक तरह का फंजीसाइड है, वो प्लांट्स की से कीटाणुओं को दूर रखता है, तो इसको 2 दिन के लिए मैंने फर्मेंट करने रखा। आप इसके अंदर काला नमक मिला के भी दे सकते हैं, मैंने अभी इसमें नहीं मिलाया, और अगली बार मैं मिलाऊंगी। काला नमक डाल के भी एक अच्छे से इंसेक्ट्स से दूर हो जाते हैं, रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे प्लांट को अच्छे से धो दिया, और बाकी के प्लांट्स में भी डाल दिया, जैसे कि भिंडी है और पुदीना है, जहाँ जो 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 उग रहा है उसके मैंने डाल दिया। ये हमारा पुदीना है, और ये देखिए जो हमारे ये बाल्टी है इसमें मैं खाद बना रही हूँ, तो जो मिट्टी में जो कप्स नहीं सीडलिंग्स निकले मैंने इसमें डाल दिए सारे। अब हमें कोई सीडलिंग्स लगाने होंगे तो हम दूसरी दोबारा मिट्टी रेडी करेंगे, तो अभी तो मैंने फ़िलहाल इसमें डाल दी है।
और अगर मैं ये ऐसे प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे छेद हैं। और ये देखिए हमारे लौकी के सीडलिंग्स, और तीन यहाँ लगा दिए हैं, चार पांच यहाँ लगा दिए हैं। कुछ फल जाते हैं, कुछ नहीं फल पाते हैं, सारे सीडलिंग्स नहीं जर्मिनेट होते अच्छे से। तो ये देखिए हमारी शिमला मिर्च रेडी हो रही है, और आज मैंने दो तीन शिमला मिर्च के छोटे छोटे प्लांट्स भी निकाल दिए क्योंकि न्यूट्रिशन काफ़ी चाहिए होती है। और ये 56 कद्दू का भी मैंने यहाँ से निकाल दिया, कोई यहाँ ये ग्रो नहीं हो पाएगा और इसको बहुत जगह चाहिए, पता नहीं इसको भैया ने कैसे लगा दिया। और अगर आप पुराने अपने प्लांट्स जैसे सालविया है और बिगोनिया है, इनको सेव करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। इनकी आप कटिंग करते रहें और इनको खाद कभी कभी दें और पानी कम दें और छाया में इनको रखते रहें। बिगोनिया आप सेव कर सकते, पेटूनिया नहीं सेव कर पाएंगे। और ये देखिए हमारी चुलाई अच्छे से ग्रो हो रही है इस बैग में। ये देखिए जो सालविया है, बिगोनिया है, इसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इसको बचा सकते हैं अगले सीज़न के लिए। जैसे हमने क्रिसेंथेमम्स बचाए हुए हैं, तो थोड़ी बातों का हम ध्यान रखेंगे, टाइम टू टाइम इसमें खाद देते रहें और छाया में रखें इनको, प्रेफरेबली सालविया हो गया। और ये देखिए गेंदे के फ्लावर पे मधुमक्खी अपना काम करती हुई, अपना रस चूसती हुई जो उसका काम है। तो ये देखिए गेंदे के फूल कितना इन्वाइट करते हैं, बहुत मधुमक्खियाँ दिखती हैं मेरे को अपने टेरेस पे। और ये देखिए गेंदे के कुछ फूल मैं उतार भी लेती हूँ अपने मंदिर में चलाने के लिए, और मंदिर के जो पुराने फूल होते हैं उनको भी वेस्ट नहीं जानती, उनको भी मैं इकट्ठा कर रही हूँ आगे सीज़न के लिए। हमारे पास खूब सारे गेंदे के वो होंगे। अब ये देखिए हमारे जो दोस्त पहले लगे थे लौकी के सीडलिंग्स, और ये हमारे टमाटर के में टमाटर बन रहे हैं छोटे छोटे, तो मैं सारे फूलों को टैपिंग करती रहती हूँ ताकि और नए फ्लावर्स फ्रूट्स बनते रहें। फ्रेंड्स आज यहाँ कई सीडलिंग्स देखिए जो अब लगाते हैं, सारे सीडलिंग्स नहीं लग टिक पाते, कुछ सीडलिंग्स रह जाते हैं, कुछ लग जाते हैं, ये नहीं समझ आती क्यों। और ये देखिए हमारे लिली के फ्लावर्स और भी खिल रहे हैं और अच्छा लग रहा है टेरेस पे, ये रेड कलर के फ्लावर्स सुंदरता बढ़ा रहे हैं। आप देखिए आज रोजेस कितने खिले हैं और अच्छे रोजेस निकल रहे हैं, खूब बर्ड्स बन रही हैं। मैं बनाना पील वाटर देती ही रहती हूँ। और इस साइड भी देखिए रोजेस काफ़ी खिले हुए हैं, और माली ने फिर अच्छे से पानी भी दिया है आज इनको। अब पानी हमारे को देना पड़ेगा, गर्मी काफ़ी हो रही है। और ये देखिए सीडलिंग्स जो हमारे नए बन रहे हैं, अभी अच्छे से और बड़े होंगे तो उनको ट्रांसप्लांट करेंगे, ये तो हमारा चलता रहता है। स्पिनच में स्प्राउटिंग दिख गई है, और ये वाले बैग्स स्पिनच के लिए सही रहते हैं। स्पिनच में हो गई है, और जो हमारे ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, ये देखिए जो हमारे एक उसका है करेले का है, ये लौकी पम्पकिन का सीड्स है, सीड है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। और भिंडी के प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं, और शिमला मिर्च में भी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। देखिए भिंडी के प्लांट्स ऊपर बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी बढ़ती है भिंडी, और थोड़े अगले महीने तक ही हमारे को फ्रूट्स भी दे देगी। टमाटर देखिए काफ़ी मैंने छिड़काव किया और बड़े साइज़ के टमाटर दिख रहे हैं। पीले पत्ते मैं हटाती रहती हूँ, उनको कंपोस्ट बिन में यूज़ करती रहती हूँ, ये मेरा काम है। और बाकी जो सालविया और बिगोनिया और पदू जो विंटर के फ्लावर्स हैं, उनको आप शेड में रखिए, खाद दीजिए और कम पानी दीजिए, तो वो सरवाइव कर जाएंगे। यहाँ आज मैंने ट्रांसप्लांट करे तोरी के सीड्स, जो कि इस 12x12 के ग्रो बैग में थे जिसमें शिमला मिर्च भी लगी, तो मैंने इसको धीरे से निकाला जड़ समेत। और ये बाल्टी जिसमें मैंने खाद इकट्ठी खाद वाला बनाया है, मिट्टी विट्टी डाल के इसमें मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया, और मैं इसको इस जगह पे ही साइड में रख दूँगी ताकि वो जाल को पकड़ ले। और ये मैंने गेंदा हटा दिया, इसमें मैंने दो और सीडिंग्स लगाए हैं, तो ये मैंने अपनी तरफ से मैं करती रहती हूँ। ये दो देखिए तीनों तोरी हैं, तो इसको मैंने इस बैग में लगा दिया है और इसी को मैं सेटिंग कर दूँगी। बाकी देखिए क्रिसेंथेमम्स के प्लांट हैं, ये अपने आप से ही लग रहे हैं, और इन सबको मैंने शेडी एरिया में देखिए रखा हुआ है। और इसमें मैंने एक और बनाया है, वो मैंने पीछे करके रखा है, जो मैंने फार्म में उग रहा था उसको मैंने जगह दे दी है। तो ये थी हमारी अपडेट, टिल अब आज तक की अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। अब थोड़ी गर्मी बढ़ रही है तो पानी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह शाम भी धीरे धीरे देनी पड़ेगी, हो सकेगा तो हम ग्रीन नेट लगाएंगे, बट अभी तक हमारा कोई विचार नहीं है, तो हमारे को दो बार पानी देना ही पड़ेगा। काफ़ी गर्मी होती है टेरेस पे, और प्लांट्स बढ़ेंगे भी और प्लांट्स को गर्मी भी लगेगी। तो यहाँ भी मैंने एक लगा दिया तोरई का,
और बाकी टमाटर तो आप देख ही रहे हैं, इस वाले पे तो बहुत ही अच्छे टमाटर आए हैं। तो मित्रों हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। प्लीज़ मुझे हौसला दीजिए और कमेंट करके मेरे को हौसला बढ़ाएं, मेरे से कुछ पूछें आप, मैं सभी चीज़ों का उत्तर करूँगी। नमस्कार सबको।